हे हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल ओवी। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम बायनोमो में ट्रेड लेने वाले हैं सिंपली। यानी आज का दिन है ना, संडे है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे, बॉलिंजर प्लस RSI। इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ, ओलंप के भी प्लेटफॉर्म पे मैं वीडियो बना चुका हूँ सेम स्ट्रेटजी के साथ। तो यार कुछ नहीं है, आज की वीडियो में ना सिर्फ सिंपली ट्रेडिंग करने वाले हैं संडे मार्केट के ऊपर। आज जो है संडे है, आपको भी पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए संडे है, 6:10 हुए हैं अभी। तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड लेने वाले हैं बहुत ही सिंपली, और कुछ सारी ट्रेड लेंगे, कुछ ट्रेड लेंगे एंड कोशिश करेंगे प्रॉफिट निकालने की। और लाइक इंटरेक्शन होता है ना यार, तो मजा आता है। तो भाई यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और वीडियो से आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा ये आपको बता देता हूँ। तो भैया वीडियो से ना आप लोगों को कैसे आप मैनेज कर सकते हो अपने पैसे को, जब आपके पास जितना पैसा होना ट्रेडिंग अकाउंट में, उस पैसे से आप कैसे पैसा बना सकते हो, ये चीज आपको सीखने को मिलेगी डेफिनेटली इस वीडियो के जरिए। तो ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। तो यहां पे देखो, अभी मैंने 10,000 की एक ट्रेड जो है वो प्लेस कर रखी है। एक्सपेक्टेड इनकम जो मेरी है वो है 0.00 रुपीज। सीरियसली ठीक है, ठीक है भाई, ड्रॉ पे चल रहा है, मैं समझ गया हूं, ड्रॉ पे चल रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां पे ठीक है, अब मेरी एक्सपेक्टेड इनकम हो गई 18,300 रुपए। यार देखो ना, संडे मार्केट का मजा ये होता है ना कि आप अगेंस्ट जा सकते हो। यहाँ पे जो स्ट्रेटजी की बात हम करेंगे, सिंपल सी स्ट्रेटजी है भैया, बॉलिंजर प्लस RSI, जहाँ पे RSI 14 बाय डिफॉल्ट सेट है। टाइम जो है, ये जो चार्ट है ना, इसका टाइम यानी इसे जो टाइम फ्रेम है ना, ये कैंडल्स आपको दिख रही है ना, ये मैंने 30 मिनट की सिलेक्ट की हुई है, ध्यान दे देना भाई, 30 मिनट की सिलेक्टेड है। और देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे कैंडल का ये जो पैटर्न है ना, ये मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो कैंडल सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे ये चीज़ें हैं भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। और अभी जो हमारी जो चार्ट है वो लाइक हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में ही है, एंड लेट्स सी कि कितना प्रॉफिट हम बना पाते हैं आज के इस सेशन में। तो यार देखो एक चीज़ बताऊंगा, कभी भी ना आप अपने टोटल अमाउंट, जितना भी पैसा आपके पास होता है ना, उसके हिसाब से ट्रेड लेनी चाहिए आपको। आपको पता है भाई आपके पास अमाउंट ही कम है तो ट्रेड भी कम ही लो, आपको पता है आपके पास बड़ा अमाउंट है तो इस हिसाब से मैनेज करो कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहो हमेशा। देखो मैंने एक 10,000 की ट्रेड ले ली है तो विन कर गया हूँ, तो अब मैं जो ट्रेड लूंगा वो नेक्स्ट लूंगा 3500 रुपए की, ठीक है। लेट्स सी ओके ओके ओके, एंड 30 मिनट के चार्ट जो है टाइम सेलेक्टेड है, एंड मैं नेक्स्ट ट्रेड जो मैं लेने वाला हूँ वो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में लूंगा। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में सेलेक्ट कर दी, यानी प्लेस कर दी है। टाइमिंग हमारी यहाँ पे मैंने 1 मिनट रखी है लगभग, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इस ट्रेड के ऊपर वो रहेगी 3500 रुपीज, ओके। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। यार ये टोटल जूम है, ओके भाई। एक चीज़ तो यार बताना चाहूँगा, मैक को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है भाई। स्टार्टिंग में ना 2 दिन तो मुझे इसे समझने में लग गए, क्योंकि यार भाई अपन मैक ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, एंड देन सडनली विंडो से लेके स्विच किया मैक के अंदर, सो लाइक वेरी डिफिकल्ट लाइक फॉर मी, ओके। तो भाई हम 3500 रुपये की ट्रेड जो है वो हार गए हैं, अब मैं जाने वाला हूँ 7000 रुपये में, ठीक है। तो लेट्स सी क्रिप्टो में आज हम ट्रेड ले रहे हैं ना, ओके। तो यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मिनट की ट्रेड जो है ऑलमोस्ट प्लेस कर दी है, और इस बार हमारा जो अमाउंट है वो है 7000 रुपीज। यार WWF वाला फील आ जाता है कई बार, मुझे अच्छे लगते हैं यार वो जो WWE और WWF के जो मैचेस चलते हैं ना, सीरियसली मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो वो वाला फील आ जाता है कभी कभी ना बोलते हैं तो, ठीक है। तो भाई एक चीज़ यार, कमेंट में ना हैशटैग टेक्निकल अवी जरूर लिख के लिखना, मजा आएगा ना कि आप लोग लिखते हो ना तो एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू यार सो मच। और यार एक चीज़ और, लाइक कर देना यार भाई की वीडियो को, और लाइक करके आगे बढ़ते, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग चल रही है, जो भी चल रहा है ना आप लोगों के साथ में लाइव है, कितना लॉस होगा क्या प्रॉफिट होगा सब कुछ लाइव चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इस तरीके का नहीं है कि कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस है, सब कुछ लाइव है, ठीक है। अगर मुझे लॉस होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, मुझे प्रॉफिट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हम 2 ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यूअसली हार गए हैं। देखो यहाँ पे ना मैं आपको जो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ट्रेड हारना जीतना मैटर नहीं करता है, इन दी एंड मैटर करता है कि आप कितने प्रॉफिट में हो, और उसके लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर प्लानिंग की। देखो यहाँ पे मैं 2 ट्रेड हार गया हूँ, ठीक है, और शुरुआत वाली ट्रेड मैंने 10,000 की ली थी, वो मैं प्रॉफिट में था, देन 7,000 की मैं ट्रेड हारा, 3,000 की मैं ट्रेड हारा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं अभी लॉस में हूँ। फिर भी मैंने बहुत बड़ी ट्रेड जो है वो प्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, ओके लेट्स सी, ओके जस्ट अ सेकंड, मेरे को यहाँ पे 2 मिनट की ट्रेड लेनी चाहिए यार अब,
हो गया एंड आई विल गो विथ डाउनवर्ड डायरेक्शन. मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिया. एक चीज़ और बताना चाहूँगा यार गाइज, ठीक है, कि यार देखो मैं जो यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ ना, डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, ये मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ, ये मेरी रिस्क है, मेरा अकाउंट है. आप लोग अपने अकाउंट से इतनी बड़ी ट्रेड्स कभी ना प्लेस करें, अपने जितना अकाउंट में बैलेंस हो उसी के हिसाब से आएँ. ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है, और इस रिस्क को कैसे आप मैनेज कर सकते हो उसके बेसिस पे इस मार्केट में एंटर हो. अदरवाइज ऐसा नहीं कि कहीं से आप पैसा उठा के यहां पे मार्केट में लगा रहे हो. दिस मार्केट इज टोटली फुलफिल, मैं बता सकता हूँ कि फुलफिल है भाई रिस्क के साथ, ठीक है. तो फाइनेंशियली अगर कैपेबल हो उस रिस्क को उठाने के लिए तो है इस मार्केट में आओ, अदरवाइज आपके लिए बहुत सारा जरिया है यार पैसा कमाने का. ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक मार्केट है जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है. तो यार ठीक है, ये ट्रेड तो देखते हैं कि क्या होता है. मैं एक और ट्रेड जो है वो प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है, एंड लेट्स सी फॉर 2 मिनट्स. एंड दिस टाइम अमाउंट जो हमारी रहेगी वो रहेगी 10,000 रुपीज़. ओके, आई विल सेलेक्ट द 10,000. ओके ओके, तो अब हमारा जो रहने वाला है सिनेरियो 2 मिनट्स के लिए, ऑलमोस्ट 2 मिनट ही है ना, ठीक है. अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने प्लेस कर दिया है. ओके, लेट्स सी कि क्या होता है. ओके, लेट्स सी गाइज, लेट्स सी एंड एंजॉय द वीडियो. द वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, मजे लेना यार वीडियो को देख के, और प्यारी सी कमेंट कर देना. कमेंट करने के बाद क्या करना है भाई, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होना यार गाइस, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ यार भाई, किसका वेट कर रहे हो. ये व्हाट जस्ट हैपन, व्हाट जस्ट हैपन विथ माय मैक, आर यू सीरियस एक्चुअली, लाइक इट्स लाइक एकदम नया है यार ये, और इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है. व्हाट जस्ट हैपन, कुछ ब्लिंक हुआ था अभी स्क्रीन के ऊपर, लाइक सीरियसली आई कान बिलीव दिस. ओके, लाइक मुझे चेक करना पड़ेगा यार, लाइक अभी सडनली क्या हुआ था स्क्रीन के ऊपर, लाइक वो चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी. ओके, नो वरीज. तो अभी हमारी पुरानी वाली ट्रेड खतरे में लग रही है मुझे दोस्त, क्या है. ओके, देखते हैं देखते हैं देखते हैं. इसका यार मैक्सिमम जूम है ये, और जूम क्यों नहीं हो रहा है ये. ओके, लेट्स सी. ओके, ये मैक्सिमम जूम है. तो लास्ट ट्रेड जो है वो विन कर गए हैं. अब ये वाली ट्रेड देखते हैं इसका क्या होता है सीन. एक काम करते हैं, एक छोटी सी ट्रेड और लेते हैं अब, ठीक है. अब लेते 3,500 रुपीज़ की एक और बिड. एंड एक सेकेंड, अभी नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा और ऊपर जाने देते हैं इसको. नहीं, जा भाई जा, बाबा बाबा ऊपर जा. नहीं जा रहा यार, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है. ओके बाबा, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, देन विल प्लेस अ ट्रेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और यार एक चीज़ और बताऊंगा, देखो यार ये जो ट्रेड्स है ना, कोई भी ट्रेड तुक्के में नहीं जा रही है. मैं ना चारों तरफ नजर रख रहा हूँ. देखो RSI के ऊपर मेरी नज़र है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर मेरी नज़र है, टाइम फ्रेम के ऊपर मेरी नज़र है, और जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ मैं ट्रेड ले रहा हूँ उस पर भी मेरी नज़र है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है भाई, कि आप जब ट्रेड प्लेस करो ना, ऐसा मत सोचना कि भाई तुक्के से या फिर ये सारी चीज़ें हो रही है. यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है. इस बार हमारा अमाउंट है 3,500 रुपीज़, एंड लेट्स सी कि क्या होता है. इस बार हमारा डायरेक्शन जो है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन. लास्ट ट्रेड भी हम विन कर गए हैं. अब ये ट्रेड पे आते हैं, तो ये हमारी है 3,500 रुपीज़ की ट्रेड, एंड लेट्स सी कि क्या होता है. तो भाई देखो यार, चलो अभी तो कोई बात नहीं, मैं अच्छे से विन कर रहा हूँ, दैट डजेंट मैटर. बट हमेशा से आपको कहूँगा, हमेशा से ना वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहो यार, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस सिनेरियोज. अच्छा तो आपके साथ होगा ही होगा, लेकिन बुरे से बुरा आपके साथ क्या हो सकता है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, ठीक है गाइस. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और ट्रेडिंग में ना, इस बिजनेस में यही चीज़ लेके आपको साथ में चलनी होती है, ठीक है. ये चीज़ हमेशा से ध्यान रखना है. इट्स नॉट लाइक वन थिंग कि आप एक बार में याद रखो इस चीज़ को, नहीं, हमेशा से याद रखो इस चीज़ को कि क्या होता है और किस तरीके से होता है चीज़ें, ठीक है. अब यार मुझे लगता है हारेंगे ये ट्रेड, क्या होता है आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट करो अभी, करो कमेंट वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आपकी जो प्रिडिक्शन है ना वो देखना चाहता हूँ मैं, कि आप कैसी प्रिडिक्शन लगा सकते हो इस ट्रेड के जरिए, कि या क्या लगता है आपको कि हारेंगे या जीतेंगे. अगर आप हारेंगे लगता है तो लिखो कि लाइक आप जो है लॉस करोगे ट्रेड. अगर जीतना लगता है कि जीतोगे तो लिखो कि जीतोगे. और अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी से कर दो वीडियो को पॉज करके, कमेंट कर दो, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन आपको पता लगेगी कि किस लेवल पे है, ठीक है. तो क्योंकि देखो कुछ नहीं कह सकता, कोई भी ट्रेड है ना उसका कुछ भी नहीं कह सकता. लास्ट सेकंड तक हम उसको विन भी कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं. लास्ट सेकंड तक भी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है. तो भैया लेकिन देखते हैं कि क्या होता है क्या होता है क्या होता है. अभी हमारे पास देखते हैं क्या टाइम है. ओके, तो यार नीचे भी जा सकती है अभी, क्योंकि 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क बन जाता है इस ट्रेड के ऊपर. बट फिर भी कान से एनीथिंग हम कुछ नहीं कह सकते. अमाउंट छोटा ही है,
इससे ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट तो हम विन करके लेके जा चुके हैं। ओके, तो दैट्स नॉट दैट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो भाई देखते हैं कि कौन लोग जीतते हैं, देखते हैं जिन्होंने कहा है कि मैं ये ट्रेड हारूंगा वो जीतते हैं, या जिन्होंने कहा है ये मैं ट्रेड जीतूंगा वो लोग जीतते हैं। देखते हैं, लेट्स सी गाइस, लेट्स सी वी। अरे यार भाई, तो जिन्होंने, लगता है मुझे वो लोग जीतेंगे जिन्होंने कहा है कि मैं ये ट्रेड हारूंगा। जी हाँ, सो गाइज आप लोग जीत गए हैं, आपकी प्रिडिक्शन काफ़ी अच्छी थी इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। सो गाइज यार, मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए यार, काफ़ी प्रॉफिट ले लिया आज के दिन में, और उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थोड़ी सी ऑर्डिनरी वीडियो थी, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि आना चाहिए, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं आई है, तो ठीक है, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है यार आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना वीडियो को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।